सरकार हमेशा से ही गरीबी रेखा के नीचे आने वाले बच्चों के लिए कई योजनाएं शुरू करने की बात कहते रही है और कई योजनाएं शुरू भी की हैं, लेकिन अब इसी को लेकर केंद्र सरकार ने एक स्पॉन्सरशिप नाम की योजना शुरू की है जिसके तहत गरीबी रेखा के नीचे आने वाले बच्चों को भरपेट भोजन और शिक्षा दी जाएगी। अब गरीबी रेखा के नीचे आने वाले बच्चों को भरपेट भोजन दिया जाएगा। केंद्र सरकार ने स्पॉन्सरशिप योजना के तहत गरीब बच्चों को 2-2 हजार रुपए हर महीने देने का फैसला किया है, जिससे वो अपने भोजन और शिक्षा की व्यवस्था कर सके। खास बात ये है कि इस योजना का लाभ बच्चे अपने घर में रहकर भी उठा सकते हैं। वहीं इस योजना के तहत गरीबी रेखा के नीचे आने वाले बच्चों को हर महीने 2-2 हजार रुपए दिए जाएंगे, जिससे वो अपनी शिक्षा और भोजन का इंतजाम कर सके। वहीं केंद्र सरकार से निर्देश जारी होने के बाद समाज कल्याण विभाग ने इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम यानी ICPS के तहत राज्य में बच्चों का सर्वे शुरू कर दिया है। योजना का लाभ सिर्फ उन्हीं परिवारों के बच्चों को दिया जाएगा जिनकी शहरी क्षेत्र में मासिक आय 2500 रुपए और ग्रामीण क्षेत्र में 2000 रुपए महीने तक है। वहीं इस योजना के लिए केंद्र सरकार ने कई नियम कानून भी बनाए हैं। इस योजना का लाभ सिर्फ उन्हीं बच्चों को दिया जाएगा जिनकी पारिवारिक मासिक आय 2000 या 2500 से कम है, लेकिन अब ये गौर करने वाली बात है कि क्या इस योजना का सही लाभ उन बच्चों को मिल पाएगा या नहीं, और अगर मिल पाएगा तो क्या इसका सही इस्तेमाल होगा या नहीं। वीडियो जर्नलिस्ट अशोक के साथ मैं पूनम पनौरिया, JK247 न्यूज़, दिल्ली।